नमस्कार, CHSL 2020 आ गया है, बहुत पास है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। तो अब आ गई बात रिवीजन की। तो सबसे बेस्ट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिवीजन आपको कैसे करना है। इसके लिए अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर सब कुछ कर रखे हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब आपको करना है रिवीजन CHSL के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ किताबें लाया हूँ आपके लिए, जिनको आप लीजिए और उसे रिवीजन करिए कम्प्लीटली। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी है, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं सबसे पहले आपको इन किताबों से गुजरना है। ये है प्रीवियस ईयर CHSL का, केवल CHSL की चीजें आपको उसमें दिखेंगी। CHSL के कैसे पैटर्न आते हैं, CHSL में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर TCS के, उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, ये सारी चीजें बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लिए सिंपल TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 2022 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए CHSL की किताब है, केवल पब्लिकेशन की। इसी तरह सेम आपको मैथमेटिक्स के लिए मिलेगी, सेम आपको मैथमेटिक्स के लिए मिलेगी, इसी तरह सेम आपको रीजनिंग के लिए मिलेगी, और इस तरह सेम आपको जनरल नॉलेज के लिए मिलेगी। चार किताबें एकदम बिल्कुल सेम है, ये आपको सबसे च्वाइस दी जा रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी किताब है इस चीज में, यह है आपको मिक्स क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जो मिक्स मॉक के फॉर्म में। इससे क्या होगा आपका, सबसे पहले आपको ये चार किताबों को पढ़ना है एक तरफ तक, जिससे आपका कंप्लीट हर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस बुक को लगाना है मॉक वाइज, ताकि आप मॉक में भी थोड़ा सा अपने आप को देख सके कि आपको चारों मिक्स वर्जन में जब कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। इन चारों किताबों का सबसे बड़े फायदे ये है कि सिर्फ CHSL क्वेश्चन दिए हुए हैं, TCS के लेटेस्ट क्वेश्चन से पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है इसमें। अच्छा सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है, जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे स्टार्ट कर सकते हैं अपने अगले CHSL के लिए, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, और 100% ही आपको अपने एग्जाम में बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो और आप भी जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें, और अपने माँ बाप को खुश रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।